हेलो स्टूडेंट्स, आज की आपकी वर्कशीट है इंग्लिश की वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 36। ये आपकी 26 सितंबर की सैटरडे की ये वर्कशीट है। ये जो वर्कशीट है ये आपकी वर्कशीट है मोडल्स के ऊपर। तो हम ऑलरेडी मोडल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन, सजेशन, एडवाइस, ये सब हम मोडल्स हम कर चुके हैं। आज जो हम मोडल्स देखने वाले हैं वो है मोडल्स ऑफ इन्विटेशन, ऑफर या एंड रिक्वेस्ट। तो ये तीन तरह के हम मोडल्स आज देखने वाले हैं। इस वीडियो को आप जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और अच्छे से देखिए, ताकि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है मोडल्स का ये अच्छे से समझ आ जाए। तो अच्छे से इसको आप देख लेते हैं, आपकी वर्कशीट में क्या बताया गया है। तो तीन तरह के मोडल्स हैं। पहला मोडल है इन्विटेशन का। तो जब आप किसी को इन्विटेशन दे रहे हैं, मतलब कि आप किसी को कुछ करने के लिए कह रहे हैं कि यू नो व्हाट, आप ये कर सकते हो, क्या आप ये करना चाहोगे, आपको ये जरूर करना चाहिए, तो एक तरह से आप अपनी तरफ से उन्हें इनवाइट कर रहे हैं कुछ करने के लिए। तो वो होता है मोडल्स ऑफ इन्विटेशन। वो यहाँ पर दो तरह के मोडल्स आप यूज कर सकते हैं किसी को इन्वाइट करने के लिए, वो है वुड और मस्ट। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि मस्ट यूज होता है जब आप किसी को ऑब्लिगेशन में आपको किसी को भी बता रहे हो कि आपको ये जरूर करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन साथ ही साथ ये इनविटेशन में भी यूज हो सकता है जब आप इसको पोलाइट वे में यूज करेंगे, बहुत ही प्यार से अगर आप इसको यूज करेंगे, तो मस्ट जो है वो इनविटेशन में भी यूज हो सकता है। कुछ यहाँ पर दो आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं, वो मैं जल्दी से दिखा देती हूँ। तो एक है एग्जाम्पल वुड का, वुड यू लाइक टू हैव टी। तो आप एक तरह से उन्हें इनवाइट कर रहे हैं चाय पीने के लिए, क्या तुम चाय पीना चाहोगे। ऐसे ही मस्ट जो है वो है यू मस्ट कम अगेन, आपको जरूर दोबारा आना चाहिए। तो इस तरह से आप उन्हें बहुत ही पोलाइट वे में आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं जरूर आना, फिर दोबारा आना। जैसे किसी को आपने घर पर बुलाया है तो आप उन्हें कह रहे हैं कि नहीं दोबारा जरूर आना। तो ये जो जरूर यहाँ पर है ये एक तरह से कंपल्सरी ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन आप अपनी तरफ से उन्हें इनवाइट कर रहे हैं और बहुत ही पोलाइट वे में, बहुत ही प्यार से आप उन्हें इनवाइट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप मस्ट जो है यूज कर सकते हैं। अब दूसरा मोडल आपको बताया गया है ऑफर। तो मोडल्स ऑफ ऑफर जो है वो आप यूज कर सकते हैं कैन, कुड, शैल या विल। तो ये चार तरह के मोडल्स आप यूज कर रहे हैं जब आप किसी को ऑफर कर रहे हो कुछ, या किसी को कुछ देना चाह रहे हो। तो कैन आई कैरी योर बैग, तो यहाँ पर आप अपनी हेल्प ऑफर कर रहे हैं, आप अपनी हेल्प देना चाह रहे हैं कि क्या मैं तुम्हारी बैग उठाने में मदद कर दूं। I could help you in cleaning the house, तो आप यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी घर साफ करने में मदद कर सकता हूँ। Shall I color the picture for you, क्या मैं तुम्हारे लिए ये पिक्चर में कलर भर दूं। तो आप यहाँ पर अगेन अपनी हेल्प ऑफर कर रहे हैं। तो हेल्प ऑफर करने के लिए, किसी को हेल्प देने के लिए आप उनसे पूछ रहे हैं कि क्या मैं ये कर दूं तुम्हारे लिए। तो आप यहाँ कैन, कुड, शैल, विल यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसे कि आई विल मेक अ लिस्ट इफ यू डोंट माइंड, तो इफ यू डोंट माइंड अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं ये लिस्ट बना सकता हूँ, या मैं ये लिस्ट बना देता हूँ। तो इस तरह से आप अपनी हेल्प ऑफर कर रहे हैं। तीसरा मोडल आपको बताया है मोडल्स ऑफ रिक्वेस्ट। तो इसमें आप कैन, विल, कुड और वुड यूज कर सकते हैं जब आप किसी से रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं। जैसे कि कैन यू कलेक्ट द पार्सल प्लीज। तो ध्यान रखिए कि ये इन दो में ये डिफरेंस है कि जब आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप किसी से कुछ मांग रहे हैं, तो आप जरूर ही जरूर प्लीज उसमें जोड़ेंगे, क्योंकि आप कुछ मांग रहे हैं, उनसे कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वहीं जब आप ऑफर कर रहे हैं, कुछ दे रहे हो किसी को, तो आपको प्लीज लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्योंकि वो आप अपनी तरफ से ऑफर उन्हें कर रहे हैं, मदद ऑफर कर रहे हैं, हेल्प ऑफर कर रहे हैं। तो ऐसे ही विल आप यूज कर सकते हैं, विल यू नोट डाउन द इन्फॉर्मेशन प्लीज, कुड यू सेंड मी एन ई मेल प्लीज, वुड यू हेल्प मी विद होमवर्क प्लीज। तो देखिए कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो ये आप बहुत ही पोलाइट वे में आप उनसे कुछ मांग रहे हैं, तो आप ये चारों मोडल्स यूज कर सकते हैं। अब इसी पे बेस्ड आपकी एक्सरसाइज है, वो जल्दी से देख लेते हैं क्या है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आपको ये जो कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं वो आपको पढ़नी है। राइट क्वेश्चंस फ्रॉम देम यूजिंग द मोडल वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, उससे आपको क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो आपको एक तरह से क्वेश्चन बनाना है कि आपने ये क्वेश्चन पूछा तो आपको ये वाले जो है, ये स्टेटमेंट जो है, ये आंसर के तौर पर आपको वापस मिले। तो यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जैसे कि ये एक स्टेटमेंट है, येस प्लीज आई वॉन्ट सम मोर केक। तो आप उनसे क्या पूछ सकते हैं, तो यहाँ पर वुड आपको दिया हुआ है, तो वुड यूज करते हुए आपको उनसे क्वेश्चन पूछना है, वुड यू लाइक टू हैव सम मोर केक। तो जब आप ये क्वेश्चन पूछेंगे तो ये वाला जो है आपको ये आंसर मिला है, येस प्लीज आई वॉन्ट सम मोर केक। तो इसी तरह से आपको यहाँ स्टेटमेंट दी हुई है और उसका आपको क्वेश्चन यहाँ इन स्टेटमेंट्स के लिए बनाना है।
तो जल्दी से देख लेते हैं कि ये स्टेटमेंट्स क्या हैं। तो मैं आपको एक दो आपको करके दिखा देती हूँ और बाकी मैं आपको सैम्पल आंसर के तौर पर आपको दिखा दूंगी। कोई भी आपको डाउट है तो आप डेफिनेटली हमसे पूछ सकते हैं। तो मैं पहला आपको यहाँ करके दिखा देती हूँ। पहला स्टेटमेंट है, येस आई विल कन्वे योर थैंक्स टू माई मदर, और आपको मोडाल दिया हुआ है कुड। तो कुड यूज करते हुए आपको ऐसा क्वेश्चन बनाना है जिसका आंसर जो है वो ये हो, जो स्टेटमेंट वन है वो ये हो। तो आप ये कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए इसको, क्योंकि फिर आप खुद इसको करने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले आपको कुड यूज करना है और आपको क्वेश्चन बनाना है, तो सबसे पहले आप कुड ही लिखेंगे, कुड। तो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं लेकिन आप दूसरे से पूछ रहे हैं, तो आंसर ध्यान से पढ़िए, येस आई विल कन्वे। तो जिसको भी हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो कह रहे हैं हाँ हाँ मैं ये जरूर कन्वे कर दूंगा, मैं ये थैंक्स अपनी मदर को कन्वे कर दूंगा। तो आप उनसे, यहाँ साफ दिख रहा है कि आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या आप मेरी तरफ से अपनी मदर को थैंक यू बोल सकते हैं, तो आप ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए आप बोलेंगे कुड यू। यहाँ पर आई की जगह आ जाएगा यू, कुड तो आप सेंटेंस शुरू कर ही रहे हैं, क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं तो कुड आ जाएगा। तो कुड यू कन्वे, अब योर की जगह देखिए आप बोल रहे हैं तो आपका थैंक्स आना चाहिए, तो कुड यू कन्वे माय थैंक्स टू, किसको करना है, योर मदर, अपनी मदर को। कुड यू कन्वे माय थैंक्स टू योर मदर, और क्योंकि रिक्वेस्ट है तो प्लीज। कुड यू कन्वे माय थैंक्स टू योर मदर प्लीज। तो जैसे ही आप ये क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, येस आई विल कन्वे योर थैंक्स टू माई मदर, ये आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। मैं आपको एक और यहाँ पर करके दिखा देती हूँ। तो चलिए कर लेते हैं, फोर्थ वाला सेंटेंस कर देते हैं। मैं रैंडमली सेंटेंस पिक कर रही हूँ, बाकी मैं आपको सैम्पल आंसर दिखा दूंगी अच्छे से, लेकिन समझने के लिए मैं रैंडमली एक और पिक कर रही हूँ। तो लेट्स से ये जो फोर्थ स्टेटमेंट है, फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है, दैट वुड बी ग्रेट, थैंक्स फॉर ऑफरिंग हेल्प फॉर क्लीनिंग द हाउस। तो आपने ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा है जिसका आंसर यह है कि हाँ ये तो बहुत ही बढ़िया होगा, थैंक यू कि तुमने ऑफर की हेल्प ये घर साफ करने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑफरिंग हेल्प की बात हुई है और यहाँ पर कुड आपको यूज करने के लिए बोला गया है। तो फिर से आप लिख सकते हैं कुड आई, आप ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ प्लीज लिखने की जरूरत नहीं है। कुड आई हेल्प यू इन क्लीनिंग द हाउस, क्या मैं तुम्हारी मदद कर दूं घर साफ करने में। तो आप यहाँ पर ऑफर कर रहे हैं हेल्प, कुड आई हेल्प यू इन क्लीनिंग द हाउस। ध्यान रखिए बहुत ही पोलाइट वे में आप पूछेंगे, किसी से भी अगर पूछ रहे हैं तो कुड आई हेल्प यू इन क्लीनिंग द हाउस, तो आपको आंसर मिल रहा है दैट वुड बी ग्रेट, थैंक्स फॉर ऑफरिंग हेल्प फॉर क्लीनिंग द हाउस। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो मैं आपको जो बाकी सेंटेंसेज हैं यहाँ पर, येस योर हेल्प विल मेक माई वर्क लाइटर, येस आई विल कीप क्वाइट नाउ, ये जो बाकी सेंटेंसेस हैं मैं उनके आपको यहाँ पर आंसर दिखा देती हूँ। आप पहले खुद कोशिश कीजिए इसे करने की और फिर आप देखिए कि ये सारे आंसर्स ठीक हैं कि नहीं है। तो ये सेकंड का है, फर्स्ट में ऑलरेडी आपको करके बता चुकी हूँ, फिर ये थर्ड का है, फोर्थ में बता चुकी हूँ आपको, ये फोर्थ का है ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, फिर ये फिफ्थ है, फिर ये सिक्स्थ है और ये सेवेंथ का है। तो पहले आप कोशिश कीजिए खुद इस एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करने की और फिर इन आंसर से, सैंपल आंसर से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। उम्मीद है ये वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई भी डाउट है तो आप जरूर हमसे पूछिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वर्कशीट को, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। थैंक